कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते पर्यटन नगरी चायल सहित पूरे प्रदेश में होटल्स कारोबारियों की हालत दयनीय होती जा रही है। लॉकडाउन के बाद जब होटल्स खुले थे तो उस वक्त कुछ दिनों के बाद कारोबारियों का काम धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से होटल कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों व किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से अब तक पर्यटन नगरी चायल के होटल्स में 70% बुकिंग रद्द हो गई है। होटल कारोबारियों द्वारा रिफंड वापस कर दिया गया है। नया साल और क्रिसमस का त्योहार आने वाला है जो कि इन होटल कारोबारियों का प्रमुख सीजन होता है। इस समय 70% होटल की बुकिंग रद्द होने से होटल कारोबारियों के चेहरे लटक गए हैं। पर्यटन नगरी चायल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए ताकि होटल कारोबारियों का काम सही से चल सके। उन्होंने कहा कि यदि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो होटल कारोबारियों को और अधिक परेशानियां पेश आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि होटल कारोबारियों को पानी बिजली के बिल सहित होटल में काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी निकालनी भी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले सभी होटल कारोबारियों का कारोबार सही हो गया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामलों और किसान आंदोलन ने कारोबार ठप कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आने से जो कोरोना के मामले बढ़े हैं हिमाचल प्रदेश में, उसकी वजह से पूरे प्रदेश में और चायल में होटलों की हालत और ख़राब होती जा रही है। बीच में ऐसी संभावना होने लगी थी कि कुछ काम ठीक सुचारू रूप से चलने लगा था, पर जब से हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं तब से बहुत स्थिति गंभीर होती जा रही है और काम बहुत कम हो गया है। और किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से किसान आंदोलन शुरू होने के बाद अभी तक लगभग होटलों की 70% जो बुकिंग कैंसिल हो गई है और सभी होटलियर्स को पैसे रिफंड करने पड़े हैं। तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इसका हल निकाला जाए जो किसान आंदोलन है, और अगर जो किसान आंदोलन का हल नहीं निकलता तो बहुत स्थिति गंभीर होती जा रही है और होटलों को बिजली पानी के बिल और जो हमारा स्टाफ है उसकी सैलरियां देने में बहुत दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों थोड़ा सुधार हुआ था काम में, पर उसके जब से ये किसान आंदोलन हुआ तब से बहुत स्थिति गंभीर है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये जल्दी से जल्दी इसका हल निकाला जाए जिससे सारे कारोबार दोबारा गति पकड़े और काम अच्छा हो, जिससे हम रोजगार दे सकें, उपलब्ध करा सकें। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।